तो गुड मॉर्निंग दगड़ियों, सुनील लपादे फिर से हाजिर आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहेगा, क्योंकि हम लोग जंगल में जा रहे हैं। दो मित्र हमारे आगे से ये भी जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ जाके क्यों। हम तो आमतौर पर दिखते ही रहते हैं, आमतौर पर दिखते रहते हैं राकेश जी हमारे। ये है भोले बाबा का मंदिर और ये हमारा इधर नहला पानी का। आमतौर पर उत्तराखंड में जितने भी जगह है वहाँ जो मंदिर होते हैं कहाँ होते हैं, गधेरों में, भोले बाबा के। तो यदि से मूड़ छिड़, हाँ बहुत ठूल छिड़ चारू। एक मित्र आए हैं दिल्ली से, तो इनको जरा हेलो जंगल में घुमाने ले जा रहे हैं। है पानी जो हम इकट्ठा करने के लिए, सूखा तालाब, ऐसे सूखा ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा ये। राकेश जी कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर, इस यहाँ इस जगह के बारे में। अरे एक बार मैं बकरे चराने गया था वहाँ, वो नीचे, और एक एक बकरा था ऊपर से, और उसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, सीधे पड़ा पत्थर गर्दन में, और मैं वो उछल के नीचे। कदन तो बेहोश है तू, है एक दो घंटे बेहोश रहा ना, दो चार मिनट रहा ना, फिर मेरे को होश में कहीं, मैं ये क्यों कहूँ, बुझे यहाँ क्या कर रहा है यार। अब मैं आया धीरे धीरे ऊपर यहाँ से, एक वो हम आदमी बैठता गाँव का, अरे ओ राकेश, अरे क्या कर रहे, अरे तू तो मुंह नहा के, हम ऊपर आया बैठा। अरे बहन भीलो भयंकर से आ रहे हो, देखा जा कब करता हूं बाहर में, कोई इधर क्यों हो रहा है ऐसा हल्ला, तो वहां पे खून ही खून। अच्छा हुआ मुंह पर सर पर नहीं पड़ा पत्थर, यहाँ पड़ा उसने साथ ही ले गया मुझे अपने, और यहाँ पर अगर पड़ता और जोर अपना लगाता तो फिर यहाँ पर क्या होता है। तो यार तुम तो ये तो एक बार भाल लगी देखो तो मुंह पर, वो दो प्रकार होते हैं ना, जमर छोटा होता है, इसको इसको खा के प्यास लगती है। हां ये जमर डॉस है, जामुन का टेस्ट हो लेकिन इनर टेस्ट जामुन जो हो लेकिन पैंती लागे, छोटे होते ना क्या हमारा जंगल उसे बिगाड़ के रखा। देख रहे हैं कितने सबसे भयानक जंगल है, आप कुछ भी कभी भी कुछ भी मिल सकता है। चलो तेंदुआ तो आए दिन रहता है यहाँ पर, वो नीचे एक ये एक पहला स्पॉट है हमारा बैठने का, मतलब पहले के टाइम पे, अभी भी आते हैं बहुत सारे हमारे गांव के। पत्थर दिख रहा है आपको इस जगह, ये जगह ही पूरी पहेड़ी है, पहेड़ी के नाम से। मेरे गांव के जितने भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो लोग बहुत जान मतलब उनको याद आ रहा होगा ये टाइम की इस जगह पर बैठते थे। और ये पत्थर तो बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा, देखो ये वही है दराती वगैरह की धार वगैरह बनाने के लिए, ये पत्थर अभी भी फिक्स है बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से, ये मैं आईडी बता नहीं सकता, और मैंने भी काफ़ी सालों से देखा हुआ है ये। अरे ये बार हमले के आठ खड्डे खनोड़े थे, इन बार खड्डे खड्डे बनाए थे मुन, ये आया पूरा जंगल जताओ खो का स्पेशल जंगल। ये सब बना डो, ये भी है किसके, ये पूरे जंगल पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं खतरनाक भीड़ है पूरा, ये मतलब यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आज सचिन नगर हम आए हैं, हमने कहा था थोड़ा टाइम यहाँ बिताते हैं, देखते हैं कि कुछ मिलता है हमको कुछ जानवर वगैरह। वैसे ये जो जंगल है यहाँ कई बार भालू देखा गया है, भालू बाघ चीते और तेंदुआ तो बहुत ज़्यादा देखा गया है, हमें तेंदुआ तो हमेशा रहता है, सूअर और सूअर वगैरह भी देखे जाते हैं। तो आज हमने कहा हम भी देखते हैं कि क्या मिलता है हमको, तो थोड़ा हम भी घूमने आए हैं फॉरेस्ट यहाँ मतलब जंगल में। अपने जाना भी बहुत मुश्किल है वैसे इसमें, हाँ पर झाड़ियाँ पूरी है, सारी कुरी की झाड़ियाँ हैं, पता नहीं चल। ये जो ये पूरा है यहाँ ऊपर देखो, ये कितना जबरदस्त लग रहा है, ये ये है सही रहती है। तो देखो हमारे तो सॉल कहते हैं जो वो पीछे कांटे वगैरह रहते हैं जिसकी पीठ पे, वो उसका है ये। अब वो कितने साल पुराना है ये तो बता नहीं सकते, बट उन्हीं का है ये। तो इतना भयानक जगह वो बनाते हैं अपने, और अब तो काफ़ी सालों से दिखती भी नहीं है, पता नहीं छुपी रहती है, है भी या नहीं है अब इस जंगल में, लेकिन बड़ा भयानक है भाई। इधर जा रहे हैं पानी का स्रोत ढूंढने, और नीचे राकेश जी गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पहले बहुत टाइम पहले यहाँ पानी था, अब तो काफ़ी टाइम पहले 10-12 साल हो गए हम भी नहीं आए हैं इधर जंगल में। तो देखते हैं, देख रहे हैं राकेश नीचे के लिए चले गए, और जंगल पूरा मतलब ऐसे झाड़ियाँ और की कटीली झाड़ियाँ, हाथ सब छिल गए, छिल गए पूरी तरह से हाथ वगैरह हमारे, देख रहे हैं मेरा हाथ ये छिल रखा है देखो अभी। तो देखते हैं पानी मिलता है नहीं मिलता, पर पानी नीचे है ये कंफर्म है कि पानी है वहाँ नीचे। तो जा रहे हैं अब हम नीचे पानी का स्रोत ढूंढने,
काफी मुश्किल वाला होगा ये रास्ता, जाने का तो है ही नहीं। यार बात क्या होता ना, इसे जाना पड़ रहा है। तो आज का व्लॉग ही यही है कि जंगल में कितना स्ट्रगल करना पड़ता जाने में, और जो पहाड़ में लोग करते हैं वो दिखा जाएगा। पानी होगा या नहीं होगा वो तो नीचे जाके पता चलेगा, लेकिन इतना है कि पानी ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। राकेश जी बोल रहे हैं कि आप ये रास्ता चेंज करो थोड़ा सा, इधर से थोड़ा यहाँ से थोड़ा वो कुरी की झाड़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो रास्ता थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी है, देखते हैं। पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ किसी ने छेड़ा नहीं है। हाँ, वो एक साइड उधर भी था पानी, लेकिन वहाँ पे बहुत काफी कम हो गया, वो दिखा भी नहीं पाया, वो थोड़ा ज्यादा नीचे था, वहाँ पर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा था वो, अभी मशक्के के बाद हम स्रोत पे पहुँचे, लग रहा पानी है, अभी भी है पानी। पहले यहाँ पे अच्छा नहीं था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप था नीचे जाने के लिए, और वहाँ पर काफी दूरी थी नीचे, और जहाँ के हम ऐसे धारा मुंह लगा के पानी पीते थे, वो ऊपर शायद पत्थर गिरने के कारण काफी हो गया, पड़ गया, लेकिन फिर भी वो जगह है जहाँ पर हम धार लगाते थे। पानी हमें मिल चुका है बहुत ही मुश्किल के बाद, ऊपर कुछ भी नहीं देखा कहाँ से आए थे हम, झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, लेकिन यह कि पानी हमें मिल गया है। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लगभग 4 घंटे से ऊपर हो गए हमको इस जंगल में, थक चुके हैं। ऊपर भी मतलब अगर आप जाओ तो ये बात का ध्यान रखें कि आप आँख कान अपनी खुली रखें हमेशा, चारों तरफ नज़र जरूर माननी होती है। हाँ, तो थोड़ा सा राकेश जी का हाथ भी छिल गया है। लो चलो पियो, और अब इससे पानी ये है, ये लगाया जाएगा और पानी पिया जाएगा। सचिन भाई किसने काटा, कैसा अच्छा है तो द्विमुखी कान सा काटा, इच्छुक गया था बुड़ कर दिसा बेलू पना या नीचे पैर पे मेन तो अच्छा था, जब यहां पर आ जाते ना हम सड़का पर सड़का ठंडा कितना हो रहा है ना, तो पानी है ना सीजन बहुत ठंडा हो रहा है। ये बन तो गया, दो चार और पत्ते देते मैं हार बढ़ा देता। अमृत घुला हुआ है, अमृत आओ, अरे हाँ अमृत क्यों, अरे अमृत क्यों, अरे छड़बड़ाहट पड़ गई फन। तो देख रहे हैं यहाँ मतलब बाहर आपको कहीं दिखेगा केवल वहीं वहीं पर पानी दिख रहा है, तो उसका मतलब ये पानी आराम से पी सकते हैं, स्रोत के अंदर ही अंदर से पानी, स्रोत का पानी है। हमारे गाँव में जो पानी आता है वो स्रोत का आता, तो हम बिना उसके पता नहीं कितने सालों से पी रहे हैं। कौन सा पानी पता है, पूछ मारोगे, गोबड़ियाण गए हो? हाँ हाँ, वहाँ पानी का धारा देखा है, बस वही पानी है। मेरी बात सुनो, वही का पानी है, घोड़ा ना पैर तो चल ठीक है। हो गए पूरे 5 घंटे यहाँ ना, यहाँ कोई मतलब यहाँ आते ही नहीं है, पहले तो गांव वाले लेने आते थे लकड़ी, लेकिन अभी काफ़ी दूर है, यहाँ कोई कुछ लेने नहीं आता। वैसे दिखा मैं कुछ भी नहीं, कुछ भागा था थोड़ा नीचे पर ये पता नहीं चला, लेकिन अब घर जा रहे हैं हम, ठीक है। रिंकी दिनोल बना पलान, ये 10 रुपए छीनने हैं कैसे तरीके।
अब कहानी लगानी शुरू हुई, उनको एक बाबा रहता था वो नीचे पत्थर के नीचे, और वो बाबा छोड़िए डबल, वो बाबा जब मर गया तो वो बाबा को वो खड़े गए, उस बाबा को वहाँ दफनाया गया उस पत्थर के नीचे, और वहाँ पर 10 रुपये रख दिए गए। वो बाद में लगता है कि हवा से उड़ाड़ के यहाँ पर आ गए, तेरे हाथ पड़ गए, छोड़ दे यहीं पर 10 रुपये। ये बहुत पहले की बात है, उस समय 10 रुपये तो बहुत ही गद्दी वाले पैसे हुए। मैंने कहा नियर मैं तो ले जाऊंगा, तो कुछ भी कर ले, बाबा है कुछ भी है, नहीं मानता। और मैंने कहा ऐसा कर, तेरे पास पैंट है देख, जेब वेब कहीं गिर बैठ जाएंगे, मेरे पास है जींस, और जींस की छोटी जेब देख रहे आगे वाली, मैं रखती हूँ बाबा पैसे। अब मैंने दे दिया उसको पैसे, और उसको गाय भाग गया यहाँ से ऊपर को, मैं अभी लेके आया अपनी गाय, और गई उनको पैसे खो गए वहाँ, मेरा पैर फिसल गया, कहीं बहुत ठोला 10 रुपया 10 रुपये मतलब कहीं पैर फिसल गया और पैसे गिर गए। देखा चाहिए दे, देखा चाहिए मात का रोड पूरा आखरी था रोड पर बहुत मात चाहिए। मैंने पैसे इस पंडित जी को दे दिए, इनके पैसे थे, चाहे तो पूछ ले। अब मेरी हिम्मत नहीं आई पंडित जी को पूछने के। दूसरे दिन पता चला मीना ने बताया कि रिंकी ने स्कूल में जाके 10 सोम पापड़ी खाई है। 10 रुपये तो वहाँ थे, वह जहाँ गाँव 10 रुपये ठीक है। और उन्होंने बाबा की काले लगा दिया नीचे, बाबा को दफनाया गया वहाँ उसके 10 रुपये के। क्या बताएं जी की कुछ भूली बिसरी यादें और उनकी बातें, तो इसी तरह के कुछ गजब से, कुछ गजब किस्से सुनाते रहते हैं हमेशा वो। उनको पता है इस जंगल के बारे में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो आते रहते आज से 10-12 साल पहले।